नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। थाना पीजीआई अंतर्गत तेलीबाग में युवक बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। शिवम अवस्थी को पीठ में गोली लगी। शिवम लखनऊ से डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। बीत 14 मई को पिता के साथ हो चुकी घटना परिजनों ने रायबरेली व लखनऊ पुलिस से सुरक्षा भी मांगी, जिसके बाद भी राकेश अवस्थी व उनके परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज शिवम अवस्थी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। घायल युवक बरछावा से जिला पंचायत सदस्य राकेश अवस्थी का पुत्र है। घायल युवक को गंभीर अवस्था में ट्रामा सेंटर भेजा गया। पुलिस मौके पर जाँच में जुटी। रिपोर्ट आकाश प्रजापति, लखनऊ ब्यूरो। 14 मई को हमारे पापा के साथ एक घटना हुई थी, जिसमें हमारे पापा को काफी चोटें आई थी। हमें सुरक्षा प्रदान हुई थी और सुरक्षा में हमारे पास लोग कांस्टेबल थे, एक सुरक्षा कर्मी को हटा दिया गया। जबकि हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हर जगह हमने भेजा, लेटर भी भेजे उच्च न्यायालय की वजह से। हमें सिक्योरिटी अभी भी एक गनर प्रोवाइड है, हम एक गनर से, जबकि हमने अभी तक का सुरक्षा बढ़ाने की अपील भी की थी। माननीय एसपी जी को भी कहा था, रायबरेली से लखनऊ पुलिस से भी हमने अपील की थी, हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं हुई। और जब अब हम पापा अभी हमारे सुबह निकले थे कहीं काम से, हमारा गनर भी पापा के साथ था, मैं निकल रहा था काम से, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ, मैं काम से जा रहा था, मेरी सफारी स्ट्रोम बगल वाले के पास खड़ी हुई, सफारी स्ट्रोम हम निकल रहे थे घर से, और मैं अपना कपड़ा पहनने लगा। मेरे भाई ने कहा मुझे चाबी लाओ, गाड़ी मोड़ देता हूँ। वो गाड़ी मोड़ने जाता है, वहाँ पे उसे गोली मार दी जाती है। ये कौन है गोली मारने वाला, पता नहीं कौन है, ये हम बता नहीं सकते। ऊपर आप शक है भाई, पापा के ऊपर हमला हुआ तो उसमें हमारे एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह का हाथ था। हम लोग तो खुलेआम हर जगह सब जगह कहते हैं, आज भी हमें लग रहा है जो हमला हुआ उन्हीं की वजह से हुआ होगा, क्योंकि पापा का विरोध चल रहा है। कितनी गोली लगी है इनके? एक गोली लगी हुई है। हाँ, हमला और कहे से आए थे? मोटरसाइकिल से थे। किस मोटरसाइकिल से? देख नहीं पाया भाई, क्योंकि मैं तो कपड़े पहन रहा था, भाई नहीं देख पाया। अब ये बता भी, आज कितने बजे की घटना है? पौने दो बजे की। अभी हालत ऐसी है, अभी शिवम क्या? नहीं, हालत ठीक है। शिवम क्या करता है? शिवम पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से? आसियाना कॉलेज से। नहीं, हमसे छोटे। बी फार्मा का रहेगा? हाँ, बी फार्मा का। सरोजी नगर? हाँ। सब तुम कहीं जा रहे थे काम से ना? हाँ।